आईपीएल 2020 की ऑक्शन अब कुछ ही दिनों बाद 19 दिसंबर को होने वाली है और दोस्तों इस ऑक्शन के लिए अब बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की भी पूरी सूची अब लगभग रिलीज कर दी है और आज इस वीडियो में हम आपको 2020 आईपीएल के ऑक्शन के लिए सभी खिलाड़ियों की एकदम पूरी लिस्ट दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस पूरी लिस्ट देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीम एक जबरदस्त शुरुआत करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इस ऑक्शन के लिए इस बार कुल 332 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों पहले 971 खिलाड़ियों ने आईपीएल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था परंतु अब जब सभी 8 टीमों के पास सारे खिलाड़ियों की लिस्ट गई तब दोस्तों उन्होंने आपसी में मुटाव से 332 खिलाड़ियों को चुन लिया है और दोस्तों इस बार की ऑक्शन में हमको कुल 332 खिलाड़ियों का नाम नजर आने वाला है। तो दोस्तों अगर इन 332 खिलाड़ियों में से 107 खिलाड़ियों का नाम अब बाहर आ चुका है और अगर इन्हीं 107 खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से इस साल कुल 13 खिलाड़ी होने वाले हैं जो कि है दोस्तों एक तो जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, इयान मॉर्गन, क्रिस जॉर्डन, टॉम कुरन, क्रिस वॉक्स, आदिल रशीद, टॉम बेंटन, सैम बिलिंग्स, डेविड विली, लियाम लिविंगस्टन, सैम कुरन और साथ ही साथ जो डैनली। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से इस साल कुल 13 खिलाड़ी कंफर्म हुए हैं। तो दोस्तों अब अगर इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो दोस्तों अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुल 19 खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है जो कि है दोस्तों एक तो एरन फिंच, पैट कमिंस, डार्सी शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, एडम जेम्पा, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन, उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी, क्रिस ग्रीन, जेम्स फॉकनर, एस्टन टर्नर, बेन कटिंग्स, मार्कस ट्वाइनिस, नेथन कुल्टन आइल, एंड्रयू टाय, क्रिस लिन और साथ ही साथ मैथ्यू कैली। तो दोस्तों इन सभी खिलाड़ियों का नाम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सामने आ रहा है। तो दोस्तों अब अगर इसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से कुल 5 खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है जो कि है दोस्तों एक तो तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, मुस्तफिजुर रहमान, लिट्टन दास और साथ ही साथ सौम्या सरकार। तो दोस्तों अभी तक जो लिस्ट हमें पता चली है उनमें सिर्फ 5 खिलाड़ियों का नाम है। तो दोस्तों अब अगर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से दोस्तों कुल 11 खिलाड़ियों का नाम है जो कि है एक तो जेबी निशम, कोरी एंडरसन, टॉम लेथम, रॉस टेलर, टिम साइफर्ट, मार्टिन गप्तिल, ईश सोडी, एडम मिलने, कॉलिन मनरो, टिम साउदी और साथ ही साथ कॉलिन डी ग्रैंडहोम। तो दोस्तों ये 11 खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से कंफर्म हो चुके हैं। तो दोस्तों अब अगर इसके बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो श्रीलंका की तरफ से कुल 4 खिलाड़ियों का नाम है जो कि है दोस्तों एक तो निरोशन डिकवेला, कुसुल परेरा, कुसुल मेंडिस और साथ ही साथ एंजेलो मैथ्यूज। तो दोस्तों अगर अब हम साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से कुल 10 खिलाड़ियों का नाम आ रहा है जो कि है दोस्तों जेपी डुमिनी, जूनियर डाला, एडन मरकरम, डेल स्टेन, डेन एल्गर, केशव महाराज, क्रिस मॉरिस, कॉलिन इंग्रम, हेनरिच क्लासन और साथ ही साथ डेविड मिलर। तो दोस्तों इन 10 खिलाड़ियों का नाम साउथ अफ्रीका की तरफ से सामने आ रहा है। तो दोस्तों अब अगर इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान की टीम भी दोस्तों किसी से पीछे नहीं रहती है। अफगानिस्तान की तरफ से भी 3 खिलाड़ियों का नाम आ रहा है जो कि दोस्तों एक तो हजरतुल्ला जजई, मोहम्मद शहजाद और साथ ही साथ गुलबदीन नईब। तो दोस्तों अब अगर इसके बाद डार्क हॉर्सेस वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो वेस्ट इंडीज की तरफ से कुल 10 खिलाड़ियों का नाम आ रहा है जो कि दोस्तों एक तो शेल्डन कॉटरेल, डेरेन ब्रावो, रॉस्टन चेस, चाई होप, फेबियन एलन, किमार रोच, ऑशेन थॉमस, इवन लुइस, शिमरॉन हिटमायर और साथ ही साथ कार्लोस ब्राथवेट। तो दोस्तों ये 10 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की तरफ से दिखने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर अंत में भारतीय टीम के बारे में बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से दोस्तों कुल 35 खिलाड़ियों का नाम आ रहा है जो कि दोस्तों
मनोज तिवारी, शाहरुख खान जो कि एक तमिलनाडु के खिलाड़ी है, यशस्वी जायसवाल, ईशान पौरेल, विष्णु विनोद, यूसुफ पठान, दीपक हुड्डा, रिक्की बुई, चैतन्य बिश्नोई, ध्रुव शौर्य, मोहित शर्मा, शुभमन रंजने, प्रशांत चोपड़ा, आर्यमान बिरला, जयदेव उनादकड़, राहुल त्रिपाठी, स्टुअर्ट बिन्नी, सुदेशन मिथुन, पंकज जसवाल, बरिंदर सरान, हनुमा विहारी, अंकुश पेंस, हिम्मत सिंह, मिलिंद कुमार, प्रयासरे बर्मन, कुलवंत खिजरोलिया, अक्षदीप नाथ, वरुण चक्रवर्ती, रॉबिन उथप्पा, पीयूष चावला, यारा पृथ्वीराज, निखिल नायक, केसी करियप्पा, श्रीकांत मुंदे और साथ ही साथ चतेश्वर पुजारा। तो दोस्तों ये 35 खिलाड़ी भारत की तरफ से नेतृत्व में होने वाले हैं और दोस्तों यह 107 खिलाड़ी अभी तक आईपीएल के ऑक्शन के लिए पूरी तरह से कंफर्म्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर आईपीएल के ऑक्शन में सबसे महंगा बिकने वाला है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा वो लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।